तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं पता है इतनी लेट में क्यों व्लॉग शुरू किया, इतनी लेट क्या, जल्दी ही है। सुबह सुबह उठा, जल्दी से नहाया, जल्दी जल्दी सारा काम किया मैं। फिर उसके बाद मुझे कोचिंग जाना था, देखा टाइम निकल गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, थोड़ा सा टाइम बचा हुआ। तो मैं सोच रहा था कि जाऊँ या ना जाऊँ। फिर मैंने सोचा कि यार चला ही जाता हूँ, तो बस निकला हूँ कोचिंग के लिए। बस मेरी कोचिंग आने वाली है, तो मैं यहीं पे करता हूँ वीडियो को पॉज, और फिर हम लोग कोचिंग के बाद ही मिलेंगे, ठीक है। फाइनली क्लास ओवर हो गई हमारी। अभी कोचिंग की छुट्टी हो चुकी है और मैं बाहर निकल आया हूँ। देखो सब दूसरी वाले ही जा रहे हैं, तो मेरे साथ एक कांड हो गया। दरअसल मैंने क्या किया कि मैं सुबह सुबह गया पेट्रोल पंप, पेट्रोल डलवाया। डलवाने के बाद जैसे मैं बाहर निकला, मैं भूल गया कि मुझे पीछे की टंकी वाला ढक्कन बंद करना है। पेट्रोल को वाला जो टंकी वाला ढक्कन होता है उसे बंद करना, तो उसे बंद नहीं किया। पूरे रास्ते ऐसे गाड़ी चला के चला आया, और मैंने 70 रुपये का तेल डलवाया था, पूरा का पूरा तेल ख़त्म यहाँ तक आने में ही। बाय द वे यहाँ में पावर वाला तेल मिल जाएगा, और वही टंकी पूरी फुल करवा लूँगा, और एक हफ्ते कम से कम मेरा तेल चल जाएगा। ये वाला जो ढक्कन है मैंने इसको खुला ही छोड़ दिया था, इसी वजह से दिक्कत हो गया था। तो आज कोचिंग जाने में, वहाँ सब पढ़ने में लिखने में, आज फर्स्ट डे था कोचिंग का मेरा, और जा तो पहले से रहा हूँ, मगर पहले वाले जो बैच में जा रहा था तो वो मेरा पुराना बैच था, तो मेरे को नया बैच, फ्रेश बैच चाहिए था, तो वो आज से शुरू हुआ है और आज से डेली जाना है। सुबह 8 बजे से 10 बजे तक मैं अपना 10, 11, 12 बजे तक कोचिंग में ही रहूँगा। फिर कोचिंग से आऊँगा घर, घर पे आने के बाद फिर तब जाके थोड़ा देर रेस्ट करूँगा, रेस्ट करने के बाद फिर शाम को मिलूँगा। बाय द वे बताना 5-5 मिनट का ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, क्योंकि 5 मिनट मुझे लग रहा है सफिशियंट है, क्योंकि लोग 10 मिनट का बनाते हैं, मैं 5 ही मिनट का बनाता हूँ। ये देखो मम्मी ने क्या बनाया, मम्मी ने बनाया पनीर की सब्जी बनाई है, दाल तड़के वाली मेरी फेवरेट, पराठा, चावल, सब कुछ वही है, और साथ में मेरा ये चल रहा है। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30, और अभी मुझे जाना है, जाके फल लेके आना है, और वहाँ से जाना है फिर उसका छोटे मोटे सामान, वो सब लेके आता हूँ, ठीक है। तो गाइस फाइनली बाहर से काम करके मैं घर आ चुका हूँ, और ये अभी तक नहीं हुआ है, अभी भी इसको 8 मिनट और लगेंगे। सोचो मैं 1-1.5 घंटे से बाहर था, सारा सामान ले रहा था, और ये हुआ ही नहीं। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आई होप सब सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत सारा अपना ख्याल रख रहे हो, मगर यहाँ मेरा ख्याल बारिश ने रख लिया, और बारिश की वजह से मैं और भी लेट हो गया कोचिंग जाने में। मैं सोचा था कोचिंग जाने के बाद ब्लॉग शुरू करूँगा, मगर इसी समय मुझे शुरू करना पड़ा, क्योंकि मैं यहाँ तो रुक गया हूँ, क्योंकि बहुत ही तेज़ आगे बारिश हो रही है, पूरा गीला हो गया पूरा शर्ट वर्ट। तो अब यहाँ से निकल रहा हूँ, आई होप सो कि आगे थोड़ी धीमे धीमे बारिश हो, और यहाँ अंदर सूखा हुआ यहीं रुक जाता हूँ, इंतजार करता हूँ थोड़ा सा कि बारिश थोड़ी धीमे हो। हेलमेट के ऊपर देख रहा हूँ कितना पानी गिरा हुआ है पूरा पूरा,
बाप रे, इस बारिश ने मुझे कसम से पूरा का पूरा कीला कर दिया है, हालत ख़राब। इमली के पेड़ के नीचे हूँ और यहाँ पे ना बारिश कम हो रही, मतलब यहाँ पानी की बूंदें कम है। ये देखो पूरा सूखा हुआ है ना, देखो देखो देखो। मेरे जो कोचिंग ना ज़्यादा दूर नहीं है, बस उस चौराहे के उस पार है, मगर बारिश कितनी तेज़ हो रही है बाप रे। यहाँ तो बिल्कुल पानी नहीं बरस रहा। तो फाइनली कोचिंग तो पहुंच गए।